हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह के 7:45। काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह मतलब सुबह नहीं बोलते हैं, रात में ठंड लगती है। इधर सुबह में तो ठीक ही रहता है बट रात में ठंड लगती है, तो ठंड की वजह से सब वैसे पड़े रहते हैं और इनका टाइमिंग भी थोड़ा सा लेट है आजकल, तो इसलिए उतना भी ज़्यादा लेट नहीं है, 8 बजे ये जाते हैं। तो अभी 7:45 हो गया है। वैसे ये ब्रेकफास्ट तो वैसे नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ये मतलब कि चाय वगैरह पी लेते हैं या तो फिर रात का कोई रोटी बच गया तो वो खा लेते हैं, नहीं तो वो नहीं मतलब कि बनाने को वो कभी बोलते ही नहीं हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बच्चे सो रहे हैं अभी, तो हम चलो उठ जाते हैं। दोनों बच्चे सोए हुए हैं अभी, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही सोए हैं। अभी मेरा बस फ्रेश होना होगा और ये दोनों का उठना होगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे का शुरू से ही हैबिट है वो जल्दी से उठ जाते हैं। तो वो देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं किचन और ये भी उठ गया, पानी गर्म करते करते ये उठ गया, सुबह सुबह गर्म पानी पी रहे हैं। और थोड़ी सी अभी सुबह सुबह ठंड लगती है तो ये भी पीना को चाह रहा था, तो हम भी वही सोचे कि चलो इसको भी पिला देते हैं। वैसे पीता भी है, जैसे साथ में हम पीते हैं ना तो वो पीता है, हम खाते हैं तो खाता है, पीते हैं तो पीता है, वही। तो सुबह सुबह वैसे पानी पीना तो अच्छा है। और हाँ, जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आप सबों को जोधपुर का ये ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। वैसे क्वार्टर के अंदर अंदर भी क्या मज़ा आएगा, कभी बाहर लेके चले तो फिर तब कोई बात बने। वैसे अकेले भी कहाँ जाएँ, दो दो बच्चे के साथ, दोनों भी छोटे छोटे, एक बड़ा भी रहता तो भी चल जाता। तो हम सोचे कि चलो आज थोड़ा सा घूम के आते हैं। वैसे भी घर में थोड़ा बहुत चीज़ें घट गई है तो वही लेके भी आ जाएंगे, साथ ही साथ घूम के भी आ जाएंगे। तो आज जो वही कैंटीन जाएंगे, तो ऐसे खाली पेट भी जाना तो अच्छा नहीं लगता है, तो वही सोचे कि चलो मैगी बना लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेंगे साथ ही साथ हम भी खा लेंगे और फिर कैंटीन में जाके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, ये बड़ी वाली मिर्ची थी जो पकोड़े के लिए यूज़ होती है वो, और हरे मटर थे। अभी तो ठंड के सीज़न आ गए हैं, वैसे इधर सब्जियों के दाम तो बाप रे आसमान छूने वाला दाम है, क्योंकि इधर वही राजस्थान है, राजस्थान में पता नहीं खेती बाड़ी होती भी नहीं होगी कि नहीं होगी, जहाँ तक मेरा तो सब तरफ बस धूल मिट्टी ही दिखते हैं, मिट्टी नहीं बोल सकते हैं, धूल धूल ही दिखते हैं, बालू, तो समझ सकते हैं। और यहाँ मैं जीरे का तड़का दूंगी और सारे वेजिटेबल मैं एक साथ ही डाल दूंगी। मैं ऐसे ही मैगी बनाती हूँ, मुझे मतलब कि पका हुआ सब्जी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कच्चा कच्चा भी रहे ना तो ही अच्छा लगता है। और अक्सर तो मैं ऐसे पानी उबाल के विदाउट ऑयल का भी बनाती हूँ, बस सारा पानी उबलने के बाद मैं सारा वेजिटेबल डाल देती हूँ, उसके बाद मैगी मसाला वगैरह 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 कुछ भी। तो अभी तो इसमें तड़का डाले हैं जीरे का, तो चलो इस टाइप से भी कभी कभी खाना अच्छा लगता है और हस्बैंड को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो चलो उसके हिसाब से बन जाता है। और मैगी में जब तक हरे मटर, गाजर ये सब नहीं पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी ये सीजन है तो मैगी का स्वाद ही अलग रहता है। वैसे किसको किसको सर्दियों में मैगी खाना पसंद है, मुझे तो मैगी का वो जो सूप होता है ना वो पीना अच्छा लगता है, सूप बोले तो क्या बोले उसको, ग्रेवी होता है ना वो पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा मसाला भुन चुका था, मैगी को मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डालती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची भी है वो भी खाती है, तो लंबा लंबा जब रहता है ना तो वो खा नहीं पाती है, सारा चीज़ अंदर ले लेगी, उसके बाद मतलब कि कट भी नहीं होता है और फिर ओ होने के बाद वॉमिटिंग, जानते ही है बच्चे का, इसलिए मैं सारा कुछ तोड़ तोड़ के ऐसे डाल देती हूँ। और अभी तक अच्छे से सेटिंग उटिंग नहीं किए हैं तो मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर हल्का सा बस भून ले रही हूँ मैगी को, थोड़ा सा अच्छे से कोटिंग आ जाए, फिर इसमें पानी डालेंगे, फिर उबाल आएगा फिर ही मैगी मसाला डालेंगे। अभी मैं मैगी मसाला नहीं डाली हूँ, बस हल्दी डाली हूँ कलर के लिए, क्योंकि मैगी मसाला का कलर ही नहीं आता है, पहले होता था कलर आ जाता था बट पता नहीं आजकल के मैगी में कलर ही नहीं आता है। और यहाँ पर मेरा उबाल आ चुका है, अब इसमें मैगी मसाला डालेंगे, बस हो जाएगा कंप्लीट हमारा ब्रेकफास्ट। तो आज यम्मी सा मैगी खाते हैं
उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, जा नहीं रहे, अभी दोनों बच्चे भी उठे हुए हैं, दोनों को अभी खिलाना भी है। चल बड़ी वाली को तो मैगी दे देंगे तो वो मैगी के लिए वो खुद ही खा लेती। वैसे हम ज़्यादा घर पे बनाते नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनाते, बाय चांस मतलब 2 महीने में एक बार बन गया, या फिर कभी कभी तो कितने महीने हो जाता पता ही नहीं चलता। ये लाया हुआ था अभी फ़िलहाल में ही, क्योंकि अभी नया नया भी शिफ्ट हुए, थोड़ा सा जानते ही खाना वाना बनाने के लिए घर का सेटिंग करेंगे खाना बनाए, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे इस हिसाब से लेके आए थे, तो वही बन गया। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, अभी ये टीवी देख रही है, टीवी तो देखती नहीं है, ज़बरदस्ती मैं बैठाती हूँ एनिमल्स वाले लगा के, क्योंकि कार्टून वगैरह भी ये नहीं देखती है। और ये खेल रहा है एकदम, बस मेरे आगे पीछे हो रहा है, कहीं खेल नहीं रहा है, बस ये आगे पीछे ही होता रहता है। क्या बेटा, क्या नीचे गिर गया था? कौन कौन गिरा बेटा? उधर गिर गया कौन? मनु? ओ हाँ। फिर यहाँ पे मैं अपने बच्चों को खिलाने में लग गई, थोड़ा सा खिला लूँगी, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करूँगी सोच के। इन लोगों को दोनों को ब्रेकफास्ट करा ली, मैं भी कर ली, क्योंकि मैगी तो वैसे भी गरम गरम ही खाया जाता है, गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो बस हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया सब लोगों ने, और इसके पापा ड्यूटी भी चले गए। अब इन लोगों को थोड़ा सा साथ में खेलना भी पड़ता है, बच्चे हो ना तो दीदी क्या बोले, टाइम का तो वैसे पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी इनके साथ खोलो खेलो, कभी काम कर लो, तो बस अभी दोनों बच्चे को मैं खिला रही हूँ थोड़े से बबल्स के साथ। और मेरी लड़की को बबल्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद, जब भी दुकान जाती है, दुकान कभी भी लेके जाती है तो मम्मा बबल्स पापा के साथ, पापा बबल्स, पापा को तो उतना ज़्यादा बोलती नहीं है, पता नहीं क्यों पापा के साथ उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मम्मा को बस जो चाहिए तो चाहिए, अपने पापा से इतना चीज़ नहीं करती पता नहीं क्यों। और उसके पापा जो बोले सो दिलाते हैं, और एक मैं ही हूँ जो कि मना करती हूँ, लेकिन मुझसे ही वह ज़्यादा वो करती है, हमें ये दे दो वो दे दो। और ये बदमाश पाप रे, मत पूछो इसको, इतना ज़्यादा बदमाशी करते, इतना ज़्यादा बदमाशी करता है। और हम सब काम ख़त्म करके रेडी वेडी हो के अभी निकल चुके हैं कैंटीन के लिए, बस हम दोनों ही नहाए हैं और मोनू को नहलाए नहीं अभी, क्योंकि वैसे भी ठंड ठंड था तो इस वजह से नहीं नहलाए, अभी देखते हैं उधर से आएंगे फिर ही नहलाऊंगी। और बाल उल मैंने कुछ भी नहीं झाड़ा, और ये रास्ते का थोड़ा सा व्यू है, मैं मुझे तो शर्म आ रहा था, इधर उधर मैं देख रही थी कोई आ रहा है जा रहा है, कोई पीछे है आगे है, वही देख के मैं कुछ करूँगी बोलते, लेकिन कोई ना कोई ऐसे थोड़ी है कि रास्ता खाली ही रहेगा, ज़रूर कोई ना कोई तो रहता ही रहता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और इधर नीचे का देख सकते हैं पूरा रेत ही रेत है, और अभी कैंटीन का सारा कुछ काम हो गया है तो बस वही अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा मेरा ब्लॉग, फालतू ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और हाँ, जो भी मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे अच्छे और ब्लॉग मिलते रहेंगे जोधपुर का भी, धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूँगी।